हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संवाद निगिदा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ वेडिंग से रिलेटेड कोई एक इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग। गाइस, इस वीडियो के लिए हमें रिक्वेस्ट किए हैं राहुल कुमार एंड सुनीता कुमारी। गाइस, आप देख सकते हो उनके कमेंट मैंने शो कर दिया है। तो गाइस, इन दोनों का रिक्वेस्ट है कि मैं वेडिंग से रिलेटेड कोई एक पेंटिंग बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं आखिर ये पेंटिंग कैसा बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका लाइक एंड शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, काफ़ी सिंपल सी पेंटिंग है, बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ आखिर ये पेंटिंग को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने वाटर का अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ। ऑरेंज कलर था नहीं मेरे पास, तो मैंने रेड एंड येलो कलर को मिक्स कर दिया एंड ऑरेंज कलर हमारा तैयार हो गया। तो गाइस, यहाँ मैं लाइट टू डार्क पेंट कर रही हूँ। अब हमेशा मैं यही करती हूँ, पेंसिल शेडिंग में भी यही प्रोसेस है जिससे कि रियलिस्टिक लुक आता है। ठीक है, सो नाउ गाइज, अब हम यूज़ करने वाले हैं ग्रीन कलर। तो गाइज, यहाँ मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ फ्लैग का, सो दैट्स वाई यहाँ पर ऑरेंज मैंने दिया और यहाँ पर ग्रीन। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, लाइट टू डार्क हमें पेंट करना है। एंड नाउ गाइज, यहाँ हमारा ये प्रिपेयर हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर लेंगे और जितने भी पीपल्स मैंने बनाए हैं ना छोटे छोटे, वो सबको मैं यहाँ पेंट करूँगी सीधा ब्लैक कलर से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ब्लैक कलर से यहाँ पर पेंट कर देना। काफ़ी सिंपल से कार्टूनिस्ट टाइप का मैंने बनाया है, तो बनाना बहुत ईजी है। पोस्टर वाले में इस टाइप का ही रहता है पीपल। ठीक है, अब हैंड भी काफ़ी सिंपल है गाइज, आप आराम से बना सकते हो। एंड उसे पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है ब्राउन कलर। ठीक है, तो ब्राउन कलर को पहले वाटर में थोड़ा वाटर ज़्यादा अप्लाई कीजिए एंड उसके बाद आप आराम से पेंट कीजिए। एक बात का याद रखना है, जहाँ लाइट शेड है वहाँ लाइट रखना है, जहाँ डार्क शेड है वहाँ डार्क रखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंट करना होगा। तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर पेंट किया है। हैंड को उतना रियलिस्टिक लुक नहीं दे पाई बिकॉज अभी वाटर कलर का उतना मुझे नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई। सो अभी इसे ड्राई होने देते हैं। अभी मैं यहाँ ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये जो मोटे मोटे मैंने खंबे टाइप का बनाया है ना, उसे मैं पहले पेंट कर ले रही हूँ ब्लैक कलर से। एंड ऑटोमेटिकली वहाँ वाइट वाला खंबा हमारा अच्छे से शो हो जा रहा है। तो ये है गाइज ट्रिकी टाइप का, मतलब ट्रिकी क्या है, सिंपल सा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये चीज़। सो अब मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन गाइज आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सो नाउ गाइज, अभी मैं ब्लैक कलर का यूज़ करके ये पतली सी जो लाइन है इसे मैं फिल कर दे रही हूँ एंड देन सेम प्रोसेस ऊपर में भी करेंगे, सेम प्रोसेस वैसे ही पतली सी लाइन को पूरा फिल कर दे रहे हैं। एंड देन गाइज, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक कलर का ही एंड जो खंबे का डिज़ाइन था ना उसी को मैं यहाँ पर फिल कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर छोटे 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 लाइन यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये। एंड देन गाइज, ऊपर मैं बहुत ही सिंपल सा पैटर्न देने वाली हूँ, आप देखते रहिए। आप सबसे पहले मैंने आउटलाइन किया एंड देन गाइज यहाँ छोटे छोटे डॉट्स एंड ऊपर वाले में सेम खंबे वाला डिज़ाइन। तो है ना काफ़ी सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से आप यहाँ बना सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने दे दिया फ्लैग का कलर। तो गाइज, ऑरेंज कलर मैंने दोबारा इसलिए अप्लाई किया बिकॉज वो जो फ्लैग में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर बनाया ना, तो वो काफ़ी बच गया था। तो बस ऑरेंज और ग्रीन दोनों ही बच गया, तो दोनों में मैंने अप्लाई कर दिया। क्यों वेस्ट करना है कलर, दोबारा इसको कर सकते हैं ताकि हमारा लुक और भी ज़्यादा पेंटिंग का अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये है भाई वोट का अपना पहचान कि हाँ मैंने वोट दिया है। सो गाइस, यहाँ मैं आउटलाइन कर रही हूँ 10mm पेंसिल के हेल्प से ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा अच्छे से शो हो। एंड देन गाइस, दोबारा से मैंने यहाँ ब्राउन कलर का एक और लास्ट लेयर मैं दे रही हूँ यहाँ पर ताकि अच्छे से हमारा हैंड शो होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ पता चल रहा है, सिंपल से गाइस, वोट फॉर बेटर इंडिया। यस, ये छोटा सा मैंने यहाँ पर लाइन लिखा है और बस हो गया हमारा पेंटिंग कम्प्लीट। काफ़ी सिंपल थे गाइज, आई होप कि आपको आराम से समझ आ गया होगा और आप भी ज़रूर बना सकते हो। सो ट्राई इट नाउ। सो फाइनली गाइज, हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड जैसे कि आप सभी ने देख लिया है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला लुक आया है। अब मुझे तो फाइनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट का वेट मुझे हमेशा से रहता है। ऑल्सो गाइज, अगर वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा एटलीस्ट दो लोगों को। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो दोस्तों, फटाफट से जाइए एंड दो लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड घंटी को ज़रूर बजाइएगा। सो
सो ओके गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बस ऐसी हमारी वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल पे न्यू न्यू वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपनी फैमिली ख्याल रखिएगा। टेक केयर बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।